हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेकर आया हूँ कि न्यू इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी की। हाँ गाइस, जो आपको आगे बढ़ने में 10% मदद जरूर करेगी। ये रहा स्टोरी। प्राचीन काल में हमारे देश में आज की तरह विद्यालय नहीं होते थे। पढ़ने के लिए गांव से दूर एक आश्रम हुआ करता था। सभी बच्चों को आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। आश्रम के सभी बच्चों में चार शिष्य सबसे बुद्धिमान थे, तो गुरुजी ने सोचा कि क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए। गुरुजी ने एक एक करके चारों शिष्यों को अपने पास बुलाया और बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो पहले शिष्य से गुरुजी ने बोला, तुम मेरे आश्रम में चाहे कैसे भी 10 बजे रात को आना। तो शिष्य ने बोला, जी गुरुजी, मैं अवश्य आऊँगा। और दूसरे शिष्य को बुलाया और उसे भी वही बात बोले, तुमको 11 बजे आना है। और तीसरे शिष्य को 12 बजे तथा चौथे शिष्य को रात के 1 बजे बुलाए। सभी शिष्य आने के लिए तैयार हो गए। जब रात हुई तो गुरुजी ने आश्रम के चारों तरफ कांटे बिखेर दिए। जब पहला शिष्य आया तो उसने देखा कि कांटा बिछा हुआ है, तो वह कांटों पर चलकर ही गुरुजी के आश्रम तक पहुंच गया। और दूसरा शिष्य आया तो वह कांटों से बचकर गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा। उसके बाद जब तीसरा शिष्य आया तो वह भी कांटों के ऊपर चलकर गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा। दोनों शिष्य जो कांटों पर चलकर आए थे, उनके पैरों से रक्त टपक रहा था। और एक शिष्य जो कांटों से बचकर आया था, आराम से बैठा हुआ था। जब चौथा शिष्य आया तो उसने भी कांटा देखा और उसने बगल में एक झाड़ू देखा। उसने झाड़ू उठाया और सभी कांटों को साफ करते हुए ऋषि के आश्रम तक पहुंच गया। अब चारों शिष्य आश्रम में पहुंच चुके थे, तो चारों शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुवर, हम में से कौन परीक्षा में सफल हुआ। तो गुरु ने बोला कि चौथा शिष्य मेरी परीक्षा में सफल हुआ। शिष्यों ने बोला, क्यों। तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि तुम में से कोई कांटा पर चलकर आया तो कोई बचकर आया है, लेकिन इस शिष्य ने रास्ते पर पड़े कांटों को साफ करके आया है। और जो भी दूसरा इस रास्ते से आएगा तो उसे ये कांटा चुभेगा नहीं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, तो हम अवश्य ही सफल होंगे, जिस प्रकार गुरु ने चौथे शिष्य को सफल माना। तो कैसा लगा आपको मोटिवेशनल स्टोरी? आपको मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारे चैनल में पोस्ट होती रहती है।